आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो सरप्राइज आपका था, मेरा जो आउटफिट था वो है मारिया बी का। तो मारिया बी को बहुत बहुत थैंक्स कि आपके ड्रेसेस बहुत जबरदस्त होते हैं, कि आपका जो है आउटफिट मैंने ईद पर पहना। तो रहिए हमारे साथ, अब हम लोग जाएंगे, बच्चे अपने दादी के घर पे जाएंगे। तो हमारा ईद का पहला दिन दादी के घर पे होता है बच्चों की, फिर उसके बाद जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो रहिए हमारे साथ। लग रही है चमचे खा जाएंगे ये सारे, चमचे खाने वाले। बिरयानी, हमारा बिरयानी वाला है, ये कुक हमने मंगवाया था, जबरदस्त बिरयानी बनाई है इसने, देर वाली पे गए और हमने बिरयानी खाई अपनी सास के घर पे देख। फिर उसके बाद हम अल कफील पर आ गए, और अल कफील पर हमने जो है दोबारा से वही स्विंग्स वाले रेस्टोरेंट पे आ गए। हम यहाँ पे स्विंग्स लगे हुए हैं, यहाँ का व्यू है, तो हमने यहाँ पे आके मजे करे। तो व्यूअर्स, रात के 3:30 बज गए हैं और अब हम घर आ चुके हैं। और ये था हमारा ईद का पहला दिन, जिसमें हम जो है घर पे तैयार होकर ससुराल गए। उसके बाद हम लोग सब जो है हमने वहाँ पे खाना खाया, वहाँ पे बड़ी जबरदस्त किस्म की देख हुई हुई थी। उसके बाद हमने जो है अल कफील रेस्टोरेंट गए। अल कफील रेस्टोरेंट में हमने आइसक्रीम खाई और बहुत लंबी हमारी आउटिंग भी हो गई, तकरीबन यहाँ से 11 किलोमीटर का फासला है। और फिर उसके बाद अब हम घर पे आ चुके हैं और रात के 3:30 बज रहे हैं, और बाहर सारे सन्नाटे हो चुके थे, और अब हमें जल्दी जल्दी सोना है क्योंकि कल हमको जाना है कराची अपने मैके। तो दुआ में याद रखिएगा और मेरे कल के ब्लॉग का इंतजार करिएगा कि कल ईद के सेकेंड डे क्या होता है, तो मैं कुछ बनाऊँगा।